बिजली बत्ती पूरी करो, 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 जोर से बोलो भाई, बिजली बत्ती पूरी करो, 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 दोनों हाथ उठा के बिजली बत्ती पूरी करो, 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 साथी छाया में खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, छाया में जाओ, धूम में मत खड़ा हो भाई, कोई भी अगली तारीख दे दो, आज एजी की तबीयत खराब है, अरे फिर हमारे परिवार क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम भूखे मरे क्या, कब तक बैठे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर घूम रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ घूम रहे हैं, हम 15-15, 20-20 दिन से लगातार सरकार का हमारे साथ बिल्कुल ध्यान नहीं है, और सरकार मान रही है कि हम 5,500 ही है, हम 5,500 नहीं है, हम 7,500 परिवारों के प्रतिनिधि हैं, और हम इस ताकत को दिखाएंगे, या तो जल्दी जल्दी हमारी बत्ती को पूरा करें, हम बार बार देखो हमारा जो परिवार है, हमारे जो रोजी रोटी है, उसी को हम रोक छोड़ के हम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल बर्बाद, मैं तो अपने साथियों 76+104 पंजाबी वाले और अपने सिटी वाले भाई आ रहे हैं मटांगी भाई। मेरा तो सब एक निवेदन है कि जो अपनी यात्रा हमने शुरू की है अपनी भर्ती ने रिगार्डिंग लेके अपना रिजल्ट कटवाने खातर है, सभी के सभी उसमें अपना सहयोग दें और प्रॉपर टाइम निकालें, हफ्ते में एक दिन तो निकाले संडे ने, जितने भी प्रोटेस्ट होंगे आगे तक एक रणनीति बनाओगे कि हर संडे कोई ना कोई एक अच्छा ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें TGT वाले, CET वाले, छप्पन स्थान वाले, हरियाणा पुलिस वाले, जो भी भाई CET को हरियाणा पुलिस से बाहर करवाना चाहते हैं वो सभी के सभी आए भाई, और अपने प्रोटेस्ट ने अच्छा बड़ा करकन है और अपनी एकता दिखा गए सरकार तो अपना जो भी हमारी मांगे उन्हें सरकार तक निकलवा गए, बस इससे ज़्यादा हो सके एक सारे ने नमस्कार। मैं देखो एक बात बताऊंगा, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ आज में जीने वाला, और मैंने कई बार ही है नहीं अपनी किसी ऑडियो में या किसी को सामने कुछ बोलना भी होगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई हमने ये पैदल यात्रा करी है आप इसको याद रखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कल घर जाएं आप भूल जाओ उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था 8 तारीख को, मैं आया था सिर्फ रिजल्ट के लिए और मैं आया था किसी और काम से, हमारे यहाँ अनिल PTI जी थे, उन्होंने कहा कि हम TGT के हैं भाई, मैंने 56 स्थान का एग्ज़ाम भी दिया, मैंने D का भी दिया और मैंने TGT का भी, मैंने उस दिन ये दिमाग में सोच लिया था कि मेरे जब 100 साथी यहाँ TGT के रिजल्ट के लिए बैठे हैं 8 मार्च को, उस दिन मैंने बल्कि अपना पर्सनल साधन लेके आया था कि भाई मेरे को वापस जाना, वो साधन भी मैंने 15 दिन और उसी दिन ये सोच लिया था कि मेरे को TGT का रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहिए, और चाहे मेरे उसको, मैं उस दिन घर से निकला था और आज तक घर से निकला हूँ। मैं नहीं कहता मैंने किसको कुछ करना ही, मैं आपको कहता कि आप ये याद रखो या उसको ये सम्मान दो, मैं कह रहा हूँ हमारा फोकस एक ही होना चाहिए, रिजल्ट और ज्वाइनिंग, और वो कैसे होना चाहिए हमारा मेन मकसद ये है, हम यहाँ कुछ और राजनीति या किसी के साथ झगड़े करने या किसी के साथ कुछ नहीं करना है। मैं वो इंसान हूँ अगर मैंने कल कुछ काम कर दिया तो मैं उसको भूल जाता हूँ, क्योंकि जब तक जो मेरा मेन मोटिव है, जो मेरा मकसद है कि मेरा रिजल्ट और ज्वाइनिंग मकसद है, जब तक वो नहीं निकलेगा मैं पुरानी बातें कुछ भी याद नहीं करता भाई। काफ़ी जगह कह देते हैं पुरानी बातों, और मैं तो आपसे भी यही निवेदन करूँगा जितनी पुरानी बातें हुई उनको तो भूल लो, और आगे का आज हमारी पैदल यात्रा होगी है लेकिन हमारे पास कल का क्या मोटिव, हमने अपने रिजल्ट के लिए क्या करना है वो भी अभी तक हमने प्लान नहीं किया। तो मैं तो अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कल सुबह उठते ही हमें ये पता होना चाहिए कि अपने रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए कल सुबह हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही मेरे साथियों से निवेदन है कि अपना रिजल्ट और ज्वाइनिंग जो फोकस करो वो सारी।
विचार बता दिया, बता दिया बस भाई ने विचार। आधी रात ने भी तैयार है और भाई ये छातिया ने 17 तारीख से यात्रा शुरू करी थी, हरियाणा का इतिहास में पहली बार। हालांकि यह चीज़ है ना गलत है, मास्टर का काम है भाई स्कूल में पढ़ाने का, समाज का निर्माण करने का, लेकिन किसके कारण? सरकार की बदौलत के कारण रोड पाना पड़ रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार का कोई नुमाइंदा इस वीडियो में देखा है तो भाई ज़्यादातर मतलब इतना टाइम हो लिया, इतने परेशान हो लिए ये अक भाई, बहुत ज़्यादा परेशान मत करो, इन्हें स्कूल में भेजो, बड़का का भविष्य बर्बाद होने लग रहा है। जितनी जल्दी इन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी तो समाज बढ़िया सुधर रहेगा, यही रिक्वेस्ट है सरकार को। धन्यवाद। अंकित भाई रावत भाई जो भी सम्मान मिला है उसका हकदार रावत भाई, यार मैं मेरा सम्मान रावत भाई भाई, 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 भाई पूरी टीम है और सभी है भी नहीं देखो नहीं भाई मेरी सब जितनी भी मेरी बहन सबरी ऋतु जी हैं जितनी भी हैं सभी को मान सम्मान, आप सभी को ऐसा नहीं है गुणवती जी हैं ऐसी कोई बात नहीं है, सभी को मान सम्मान पूरा ठीक है। और ये पकड़ी जाती है अंकल जी को, ये इनका किरदार है, एक महीने धरने पहुंचा है, तो बस नाम बिल्कुल काबिल तारीफ है, वो एक सरकार का सही हो गई, किसी का नहीं है, मैं इनका फैन हूं बहुत ज्यादा, सारे बीच उठ के देखे एक दिन भी नहीं गए सर, मैं और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी दो ये अंकल जी हमारे हसमुख चेहरे सबको साथ रहते हैं, बहुत बहुत जिंदगी बहुत धन्यवाद फोटो खींच भाई, फोटो खींच भाई, इसकी वीडियो ना बनावा।